आती है इस गांव में। और ये रमेश पुजारी जी हमारे इस मिशन के सदस्य भी हैं, जो इस तरह से शादियां करते हैं। हम उन शादियों में चाहे वो मेंबर हो या ना हो, वहाँ पहुँच करके उन्हें सम्मानित करते हैं, जो हमारे समाज की सम्मान की कड़ी के अंदर पगड़ी पहनाने का सबसे बड़ा और महान पवित्र कार्य समझा जाता है। उस पगड़ी पहना करके हम अभी सम्मानित करेंगे। सर आपका शुभ नाम? मदन लाल। आपने आपकी बेटे की शादी है? आपकी भांजे की शादी है। भांजे की शादी है। भांजे की शादी। आज की शादी को देख करके आपको क्या लग रहा है कि जो बहुत बढ़िया, क्या कुछ लेन देन हुआ है? लेन देन 1 रुपये से मात्र 1 रुपये। सामान वगैरह कुछ नहीं, सामान वगैरह सब। आपका शुभ नाम साहब? सुरेश। आपका बच्चा है या बच्ची है? बच्ची है। कौन से गांव से आप? करोट कला। तो ये जो आज जो सुंदर गांव में पहुंचे हैं लगन लेकर के, तो आपको क्या लग रहा है कि 1 रुपये में शादी की है या कुछ सामान भी दिया है? सामान कुछ नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिया है? बच्चे के कपड़े, बर्तन, बच्चे के कपड़े दिए हैं? नॉर्मल दिए हैं। नॉर्मल दिए हैं। और बर्तन वगैरह भी दिए हैं? तो नॉर्मल। फर्नीचर कुछ नहीं दिया? और कुछ आइटम? मात्र 1 रुपये दिया है जी। आज की शादी में सर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो जो ना लड़की जो उसमें सबसे बड़ा दहेज से, और समाज में जो कुरूति जो चली हुई है उनको सबको जो ना हम चाहते हैं सब समाज मिलकर के इस बात को, बुराई को बंद करें। दहेज का लेना देना जो है ये हमारे समाज से खिलाफ है। ठीक है। और हमारी जो है ये मिशन चली हुई है इस दहेज के विरुद्ध। दहेज नहीं देना लेना ये जो ना ये गलत बात है, दहेज लेना देना। तो आप किस तरह से और क्या क्या आप सिस्टम अपना रहे हैं ताकि आप जागरूकता फैलाएं? आप सुना है कि आप वैसे भी सिस्टम में दहेज विरोधी मिशन में हैं। हाँ जी। और क्या क्या आप कर रहे हैं ताकि समाज के अंदर अच्छाई फैले? देखो जी, लड़की जो होती लड़की नहीं है आज जी। 20 साल के बाद लड़की पैदा होंगी, पहले उससे पहले लड़कियाँ थी, अब लड़कियाँ नहीं है। काफी जो ना 50 लड़के कंवारे हैं, जब 5 लड़के शादी होती है जी। तो लड़की नहीं है तो इसलिए तो दहेज के मामले में लड़कियों को मरवा दिया जाता है जी। ठीक जी। तो अब लड़की पैदा कौन करेगा? क्यों तो पैसा तो है नहीं किसी पास। हाँ। तो दहेज लेने देने करेगा नहीं तो लड़कियों को पैदा कौन करेगा? इसलिए लड़कियों का सम्मान होना चाहिए। और लड़की धन होता है, सबसे बड़ा दहेज जो होता है वो लड़की होती है, जो अपने जो ना पाल पोस करके लड़के को जो दी जाती है जी। धन्यवाद जी। ये शादी है और जो रोजाना देखते हैं वो शादी नहीं है, वो सौदे हैं। वो लोग क्या करते हैं कि लड़कों का सौदा करते हैं, इतने रुपए, इतनी गाड़ी, इतना धन, इतनी ये सोफा, इतना ये सामान, इतने जेवरात, इतनी गुट्ठी, इतनी टोपस बाड़ी, वो एक फिक्स सौदा हो जाता है। पशु को केवल जो है लगाम डाल करके, मोरी डाल करके व्यापारी को पकड़ाया जाता है। बेटे को ऐसा सिर्फ नहीं करते, लगाम मोरी नहीं डालते, वरना सौदा ही हो जाता है। आप और हम इस बुराई को बेचने के लिए सब आदमी मिलकर के एकजुट होकर के इस कार्य को अंजाम देंगे तो ये समाप्त हो सकता है। और दहेज समाप्त हो जाएगा तो देश भी संपन्न हो जाएगा, और हर नागरिक गरीब है वो देश धनाढ्य नहीं हो सकता। जिस घर में बेटी पैदा हो जाए उसने भी 50 लाख रुपए देगा जब वो अगला कोई रिश्ता लेगा। तो हम सब मिलकर के इस बुराई को ख़त्म करेंगे। और ये एक नारा मान लो, जिस तरह से सरकार ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया है, इसी तरह से हमारा दहेज विरोधी मिशन एक नारा देता है कि बेटी बचाओ और दहेज मिटाओ। जब तक दहेज नहीं मिटेगा बेटियां नहीं बच सकेंगी।
तो हर आदमी ये सोचता है कि मेरी बेटी को मैं अगर हो जाएगी तो धन कहाँ से दूंगा, जमीन बिक जाएगी। और रियल बिकती है। मिशन के प्रधान वे पूरे मिशन के सदस्यगण, वर वधु पक्ष के सदस्य और भारतीय पक्ष आए मेहमान व अन्य मेहमानों के काम के मौजूद आदमी, आज बड़ा खुशी का अवसर है। भाई शादी का माहौल तो वैसे ही खुशनुमा होता है, पर ये एक अन्य अलग प्रकार की खुशी है, क्योंकि ये शादी ना बगैर लेन देन के, और मतलब सौदा नहीं है, ये शादी है हकीकत में। तो इसमें मैंने दोनों पक्षों से बात करी, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, बड़े प्रेम से, और जो एक्चुअल में शादी होनी चाहिए वो शादी होने जा रही है। मैं आप सभी आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा भाई, सब लोग इस बात को अपनाएं और बिना दहेज के बगैर ले दे शादी करें, ताकि समाज उन्नति कर सके, हम उन्नति कर सके और हमारा देश उन्नति कर सके। आज इसे देख करके शपथ लेकर, तो इन शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ।